आज हम बनाने जा रहे हैं तीन तरीके के बहुत ही यम्मी से बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही अच्छे शरबत। गर्मियों में शरबत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, सभी को चाहिए होता है थोड़ा सा रिफ़्रेश करने के लिए। तो आइए इनकी रेसिपीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। तो एक ग्लास लिया है, उसमें थोड़ी सी मैंने पुदीना की पत्तियाँ ऐड की हैं, दो मैंने नींबू के टुकड़े ऐड किए हैं, साथ में एक चम्मच हम इसमें शुगर पाउडर ऐड करेंगे और साथ में ये मोजीतो का सिरप मैं यूज़ कर रही हूँ तो 2 टेबलस्पून वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब थोड़ा सा चम्मच से ही हम क्रश कर लेंगे जो हमारी ये पुदीना की पत्तियाँ हैं और नींबू हैं, इन्हें हल्का सा फ्लेवर जो है ये रिलीज़ कर दें इसके लिए, तो अच्छे से क्रश कर लेंगे हम इन्हें। इसके बाद इसमें हम ऐड कर रहे हैं ये सोडा, आप चाहे तो नॉर्मल चिल्ड वाटर भी ऐड कर सकते हैं लेकिन सोडा से इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। आप चाहे तो इसकी जगह स्प्राइट भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपको शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो भी आप ऐड करके इसे बना सकते हैं और बहुत ही यम्मी सा और डिलीशियस रिफ्रेशिंग ये तैयार हो जाता है। साथ में थोड़ा सा हम चाट मसाला डाल दे रहे हैं इसमें एक बहुत ही यम्मी सा टेस्ट के लिए। अब दूसरे गिलास में भी हमने डाली है पुदीना की पत्तियाँ, थोड़े से नींबू के चंक्स और साथ में ये रूह अफ़ज़ा ऐड कर रहे हैं तो 2 टेबलस्पून ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें भी शुगर पाउडर ऐड करेंगे। इसे भी अच्छे से हम क्रश कर देंगे ताकि जो नींबू का और पुदीने का फ्लेवर है वो हमें मिल जाए। इसे क्रश करने के बाद हम इसमें भी सोडा या फिर चिल्ड वाटर जो भी हमें पसंद हो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप स्प्राइट यूज़ कर रहे हैं तो फिर शुगर का यूज़ ना करें। तो बस इसे भी हम मिला लेते हैं और ये यमी सा दूसरा ड्रिंक हमारा तैयार हो गया है। थोड़ा सा चाट मसाला इसमें भी हम ऐड करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करके इसे हम और भी यम्मी सा फ्लेवर दे देते हैं। अब तीसरे ड्रिंक के लिए भी हमने ग्लास में डाले हैं पुदीना के पत्ते और नींबू के चंक्स और साथ में हम डाल रहे हैं इसमें रसना। रसना का जो भी फ्लेवर आपको पसंद है उसका मैंने कंसनट्रेट तैयार करके रख लिया था जैसा कि पैक में मेंशन रहता है, और बस इन्हें भी हम नींबू और पत्तियों के साथ क्रश कर लेते हैं। इसमें शुगर पाउडर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉन्सेंट्रेट में हमें शुगर ऐड कर चुके हैं, तो सोडा या फिर चिल्ड वाटर जो भी आप चाहें इसमें ऐड कर लें। और बस ये भी एक यमी सा ड्रिंक तैयार है। थोड़ा सा चाट मसाला इसमें भी हम ऐड करेंगे एक यमी सा फ्लेवर डालने के लिए। बस बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, ये बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट सब एक जैसे हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, जो फ्लेवर्स हैं वो चेंज हैं। तो यमी से शरबत इन्हें बनाइए गर्मियों में और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू।